बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले हम बात करेंगे वीकली प्रोसेसिंग टाइम की, जो कि कनाडा हर वीक अपडेट करता है, चाहे वो विजिटर वीजा वालों के लिए हो, स्टूडेंट वीजा वालों के लिए हो, या फिर वर्क परमिट वालों के लिए हो। सेकेंड पर हम बात करेंगे दोस्तों कि इस टाइम के ऊपर कनाडा IRCC किन की फाइल्स पर वर्क कर रही है, जिन्होंने किस डेट के ऊपर फाइल सबमिट की थी, और किन किन लोगों के रिजल्ट जो हैं वो आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे रेड बटन होगा उसको दबा दो, बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट अपडेट की, जो कि है कनाडा की प्रोसेसिंग टाइम को लेकर। दोस्तों कनाडा हर वीक अपने प्रोसेसिंग टाइम को चेंज करता है, और इससे आइडिया लगाया जाता है कि कनाडा IRCC कौन सी कैटेगरी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। दोस्तों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का प्रोसेसिंग टाइम इस वीक भी बिल्कुल सेम रहा और इसे चेंज नहीं किया गया, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अभी भी 8 वीक्स का ही प्रोसेसिंग टाइम आपको देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद है दोस्तों कि बहुत जल्द एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। और वैसे भी दोस्तों कनाडा IRCC ने अपनी अपडेट में ये बात बताई थी कि 5 अगस्त से पहले बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर स्टूडेंट्स के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द आप लोगों को गुड न्यूज देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकंड की, तो वो है विजिटर वीजा वालों के लिए। दोस्तों डे बाय डे विजिटर वीजा वालों को बैड न्यूज का ही सामना करने को मिल रहा है, और हर वीक उनका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो मजीद इंक्रीज किया जा रहा है। अब जिन लोगों को भी एप्लीकेशन सबमिट करनी है वो भी टेंशन में है, और जिनकी फाइल्स 1 से 2 साल से पेंडिंग के अंदर हैं वो भी बहुत ज्यादा टेंशन में है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे उनसे जिन्हें न्यू फाइल सबमिट करनी है या न्यू एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी है, और वो सोच रहे हैं कि वो करें या फिर ना करें, और वो कन्फ्यूज हैं। तो बिल्कुल दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा अगर आप अपनी फाइल सबमिट करते हो तो। कनाडा IRCC इस वक्त विजिटर्स को प्रायोरिटी नहीं दे रही, लेकिन अगर आप दिसंबर या फिर जनवरी 2021-2022 के अंदर जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, उस वक्त तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले का अगर आपने सोचा है तो बिल्कुल भी दोस्तों एप्लीकेशन सबमिट मत करना, क्योंकि अभी कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। और जिनकी फाइल्स पेंडिंग के अंदर है उनके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दोस्तों बस थोड़ा सा टाइम रह गया है वेट करने का। जब आप लोग के रिजल्ट आना शुरू होंगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर आएंगे। इतना आप लोगों ने वेट किया, अब थोड़ा सा टाइम आप लोगों के लिए और मुश्किल का रह गया है। और जब ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाएगी तभी ही आप लोगों की फाइल्स के ऊपर कनाडा IRCC काम करेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों वर्क परमिट वालों की। आप लोगों की फाइल्स के ऊपर भी बहुत जल्द वर्क स्टार्ट हो जाएगा, और आप लोगों को भी बहुत जल्द जो है वो रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको स्टूडेंट्स के बाद ही प्रायोरिटी दी जाएगी। सबसे पहले कनाडा IRCC जो है वो स्टूडेंट्स की फाइल पर काम करेगी, और उसके बाद वो जो है वो वर्क परमिट वालों पर काम करेगी। लेकिन आप लोगों के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि रिजल्ट आप लोगों के बहुत जल्द से जल्द देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेकेंड अपडेट की, कि इस टाइम के ऊपर कनाडा IRCC किन किन फाइल्स के ऊपर वर्क कर रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों स्पोस वीजा, पेरेंट्स और डिपेंडेंट चिल्ड्रंस की फाइल के ऊपर वर्क किया जा रहा है IRCC की तरफ से, जो कि 13 अक्टूबर से लेके 19 अक्टूबर 2019 के अंदर एप्लीकेशन सबमिट की गई थी। दोस्तों आज से 2 साल पहले की एप्लीकेशंस पर काम शुरू हो चुका है और रिजल्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं। साथ ही दोस्तों IRCC 11 अगस्त से लेके 17 अगस्त 2019 की फाइल पर भी वर्क कर रही है, और उनके रिजल्ट्स भी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ छोटी मोटी अपडेट्स थी दोस्तों जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन थी और कुछ लोगों के लिए बैड न्यूज भी थी, लेकिन बहुत जल्द दोस्तों आहिस्ता आहिस्ते जब कनाडा अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आएगा तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।